हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल रिसर्च फैक्ट्स में। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे रूप और स्थान के बारे में बताएंगे जिसका रहस्य आज तक रहस्यमयी बना हुआ है। वो जगह है अमरनाथ गुफा। धर्म, आस्था और रोमांच, अमरनाथ यात्रा इन तीनों की ना सिर्फ अनुभूति कराती है बल्कि आपको एक अलग संसार में होने का एहसास भी दिलाती है। अमरनाथ यात्रा अपने अनूठे भौगोलिक स्वरूप के चलते ना सिर्फ बेहद रोमांचकारी है बल्कि गुफा में हर साल विशेष परिस्थितियों में बनने वाला हिमलिंग आस्था का केंद्र रहता है। नमामि आदि शंकरम, नमाम्य हम महेश्वरम, डमा डमा नमाम्य हम श्री अमरनाथ ईश्वरम। इस गुफा को लेकर तमाम किंवदंतियां हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होने वाली ये यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन ही भोले शंकर इस गुफा में आए थे। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक मंदिरों में से एक है। ये मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर और 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस अमरनाथ गुफा में बर्फ के द्वारा भगवान शिव का शिवलिंग बनता है, इसलिए इनको बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। इस अमरनाथ गुफा से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से अमरनाथ गुफा के रहस्य के बारे में। कश्मीर पर केंद्रित 12वीं सदी में लिखी गई कल्हण की राज तरंगिणी से लेकर नीलमत पुराण तक में अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है, जिससे साफ है कि इस पवित्र गुफा का अस्तित्व सदियों पुराना है। अमरनाथ गुफा को लेकर कई किंवदंतियां हैं। उन्हीं में से एक ये है कि इस पवित्र गुफा को सबसे पहले गुज्जर समाज के एक मुस्लिम गडेरिये बूटा मलिक ने उस समय देखा था जब वो अपनी बकरियां चराते हुए वहां तक पहुंच गया। गुफा कितनी पुरानी है इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बूटा मलिक के जरिए 18वीं सदी में इस गुफा के अस्तित्व का पता चला। बाद में काफी समय तक अमरनाथ गुफा के चढ़ावे का कुछ हिस्सा बूटा मलिक के परिवार को भी दिया जाता रहा। एक और किंवदंती ये भी है कि इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि ने देखा था। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। मान्यता है कि इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमरत्व की कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर उसी समय जन्मे शुक शिशु शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। जब वो गडरिया गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर बर्फ से बना हुआ शिवलिंग देखा। उस गडरिये ने इस बात को गांव वालों को बताया। उसके बाद ये स्थान तीर्थ स्थल बन गया। आज भी उस गडरिये के वंशज इस अमरनाथ गुफा की देखरेख करते हैं और चढ़ावे का एक चौथाई आज भी उस गडरिये के वंशजों को मिलता है। इस अमरनाथ गुफा में बर्फ की बूंदे गिरने से शिवलिंग बनता है, लेकिन बर्फ कहां से आती है इस बात का आज तक कोई पता नहीं लगा सका। हैरानी की बात तो यह है कि यह शिवलिंग बिल्कुल ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि उसके आसपास गिरने वाली बर्फ बिल्कुल भुरभुरी होती है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्धान हो जाता है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को पहली बार अपने अमर होने का रहस्य बताया था,
जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व होने का ज्ञान दे रहे थे, उसी वक्त वहां पर एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था, जिससे वो कबूतर का जोड़ा भी कथा सुनने के बाद अमर हो गया। और बताया जाता है कि वो कबूतर का जोड़ा आज भी वहीं पर मौजूद है, और जिस व्यक्ति को उनके दर्शन हो जाते हैं वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उनके गले में जो मुंडमाला है वो पार्वती के ही पूर्व जन्म के हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब भी तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, तब इस मुंडमाला में एक मुंड बढ़ जाता है और इस मुंडमाला में सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय 5 तत्व का त्याग किया था। सबसे पहले उन्होंने पहलगांव में अपने नंदी बैल का त्याग किया था, उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया था। शेषनाग नामक स्थान पर भगवान शिव ने अपने गले से सांपों को छोड़ दिया था। अपने पुत्र गणेश को उन्होंने महागुनस नामक पर्वत पर छोड़ दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने पंचतरणी में जाकर 5 तत्वों का परित्याग किया। अंत में सब कुछ छोड़कर भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए इस गुफा में लाए, तो उन्होंने काल अग्नि को आदेश दिया कि इस गुफा में जितने भी जीव हैं उन सबको भस्म कर दो। काल अग्नि ने आदेश पाकर सभी जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन वहां पर कबूतर के 2 अंडे रह गए, क्योंकि अंडों को सजीव नहीं माना जाता है, इसलिए वो बच गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताया, तो उन अंडों में से कबूतर निकल आए और उन्होंने भी वो कथा सुन ली थी, जिससे वो भी अमर हो गए। इस अमरनाथ गुफा में जितने भी भक्त शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं वो पैदल ही चलकर आते हैं, जिससे वो बहुत थक जाते हैं, लेकिन जब वो इस गुफा में पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है उसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको अमरनाथ गुफा के रहस्यों के बारे में जानकारी बताई है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अमरनाथ गुफा का रहस्य कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल रिसर्च फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।